प्यारे बच्चों, सादर नमस्कार। आज हम लॉकडाउन की तीसरी क्लास के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं और आशा है पिछले कार्य को आपने किया होगा, जो उसमें जो है आपको दिए गए थे कुछ क्वेश्चन, जो है अनसॉल्व क्वेश्चन दिए गए थे जिन्हें सॉल्व करना था। आशा है आपने उनका जो है लाभ उठाया होगा, क्वेश्चन हल किए हुए प्रश्नों की जो है सहायता से, बगैर हल किए हुए प्रश्नों को आपने हल करने का प्रयास किया होगा और संभवतः क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे। संभव आशा करता हूं कि आप लोगों ने जो है उनको किया होगा। इसमें हम आपको समाकलन से संबंधित जो आगे थोड़ा सा अगली एक्सरसाइज में प्रयोग होंगे उनसे संबंधित सूत्र बताने का प्रयास करूंगा, साथ ही समाकलन की विधियां कि वो किन किन तरीकों से हम समाकलन ज्ञात करते हैं। इनकी मुख्य रूप से जो है यहाँ हमारे पाठ्यक्रम में तीन विधियां समाकलन की हैं। पहला प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, दूसरा खंडशः समाकलन, तीसरा आंशिक भिन्नों के प्रयोग से समाकलन। इनमें इन सबसे बहुतायत प्रयोग हम जो है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन और खंडशः समाकलन का बहुतायत प्रयोग है। हालांकि लास्ट में आंशिक भिन्नों के प्रयोग से भी जो है हम समाकलन ज्ञात करते हैं। कोई इस तरह के जो है बीजी व्यंजक दिए जाते हैं आंशिक भिन्नों के रूप में जो दिए जाते हैं, उनको हम आंशिक भागों में जो है तोड़ करके इसके बाद मानक रूप में बदल करके उनका समाकलन करते हैं। तो तीन खासतौर से इसमें फॉर्मूले जो हम देख रहे हैं, इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इसमें फॉर्मूला देख रहे होंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 upon a square plus x square dx = 1 upon a tan inverse x upon a plus c। दूसरा फॉर्मूला है साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 upon root a square minus x square dx = sin inverse x upon a plus c। अगला फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, इसमें साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 upon x root x square minus a square dx = 1 upon a sec inverse x upon a plus c। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 upon root x sin root x dx, इसको हम सॉल्यूशन के रूप में देखें। सपोज √x = t और इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ddx ऑफ x की पावर 1/2, जिसे हमने रूट एक्स को x की पावर 1/2 लिखा, इज इक्वल टू ddx ऑफ जो है t, अब x की घात n का अवकलन जो हम जानते हैं n x की पावर n माइनस 1 होता है, तो इसे हम आगे 1 upon 2 x की पावर 1 minus 1/2 minus 1 अर्थात 1 minus 2 upon 2 is equal to ddx of t। आगे इसको हमने 1 upon 2 root x is equal to ddx of t और dx upon root x is equal to 2 into dt। पुनः प्रश्न की ओर आते हैं, जहां लिखा हुआ है sin of integration 1 upon root x जहां पहले दिया गया था उसको देखें, sin of integration sin t 2 dt जो है, क्योंकि ddx of upon जो है root x को हमने 2 dt लिख दिया और sin root x को sin t लिखा, तो यहां is equal to sin of integration sin t 2 dt जो है is equal to 2 minus का cos t plus का c। Now put जो है value t is equal to root x, answer में लिखें minus का 2 cos root x plus का c, क्योंकि हम जानते हैं sin x का अब समाकलन माइनस का cos x होता है, इसलिए sin t का समाकलन माइनस का cos t हुआ यहाँ और t की वैल्यू हमने यहाँ रखा रूट। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चों, sin ऑफ इंटीग्रेशन x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस x की पावर 16 dx, इसको सॉल्यूशन में sin ऑफ इंटीग्रेशन x की पावर 16 को मैंने x की पावर 8 होल पावर 2 के रूप में लिखा, तो इसको सॉल्यूशन में साइन ऑफ इंटीग्रेशन x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 का होल स्क्वायर dx। लेट x की पावर 8 इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, इसको हमने x की घात 8 को जो है t मान लिया और इसका हमने
अवकलन किया इसके सापेक्ष, तो x की पावर 8 का, चूंकि x की पावर n का अवकलन n x की पावर n माइनस 1 होता है, इसलिए x की पावर 8 का 8 x की पावर 8 माइनस 1 इज इक्वल टू t का x के सापेक्ष d dx ऑफ t. दिस इंप्लाइज x की पावर 7 dx इज इक्वल टू dt अपॉन 8, जहां dx x की पावर 7 इनटू dx को हम dt बटे 8 लिख सकते हैं. आगे स्टेप में आने इज इक्वल टू में 1 अपॉन 8 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर लिया, x की घात 8 को t माना तो हमने 1 प्लस t स्क्वायर हो गया नीचे, इज इक्वल टू dt इनटू dt नो dt अपॉन जो है 1 प्लस t स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 tan इनवर्स t प्लस का c. अगेन पुट जो है t इज इक्वल टू x की पावर 8, पुनः x का मान जो t का मान जो है x की घात 8 रखा है इसमें, और इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 tan इनवर्स x की पावर 8 प्लस का c आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 3 देखें बच्चों. साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स, तो हम सूत्र जानते हैं टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स के स्थान पर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एलसीएम लेके हमने इसको समराइज किया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, जो नीचे वाला cos x से ऊपर गया अगले स्टेप में इज इक्वल टू sin ऑफ इंटीग्रेशन cos x अपॉन cos x प्लस sin x dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 sin ऑफ इंटीग्रेशन. अब इसको हमने नीचे cos x प्लस sin x बनाने के लिए ऊपर अंश में 2 का गुणा 2 का भाग इसलिए किया जिससे 2 cos x हो जाएगा, इसमें हम sin x जोड़ेंगे और sin x घटाएंगे इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने इसमें 2 का गुणा कर लिया और 2 से भाग कर दिया. तो 1 अपॉन 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2 कॉस एक्स अपॉन जो है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एक ब्रैकेट में प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स. इसको हम अलग अलग जो है खंडों में तोड़ करके 1 अपॉन 2 लिखेंगे इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स प्लस दूसरा पार्ट इसका 1 अपॉन 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स. वी नो दैट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स प्लस साइन एक्स का अवकलन प्लस का कॉस एक्स डी एक्स is equal to dt. Putting these value, then we find 1 upon 2 sin of integration 1 dx. चूंकि cos x plus sin x upon cos x plus sin x का एक दूसरे में भाग देने पर भागफल एक आया, तो यहाँ 1 dx plus 1 upon 2 sin of integration इसमें cos x minus sin x dx बराबर जो है dt रखा हमने, इसलिए नीचे cos x plus sin x को t, तो इसलिए हो गया प्लस का 1 upon 2 sin of integration dt upon t. अब हम जानते हैं 1 dx को जो है समाकलन के रूप में जो है 1 upon 2 1 dx का x हो गया 1 upon 2 x प्लस का समाकलन स्थिरांक c1 प्रयोग किया प्लस 1 upon 2 1 upon t dt का जो है log t, तो 1 upon 2 log t प्लस का c2. यहाँ हमने दो समाकलन स्थिरांक अलग अलग किए इसलिए दोनों समाकलन स्थिरांकों को जोड़ करके c1 plus c2 को हमने इस पर कांस्टेंट c लिखा एंड देन t इज इक्वल टू जो है cos x plus sin x t की वैल्यू पुट कर दी यहाँ cos x plus sin x और अगले स्टेप में आंसर के रूप में 1 upon 2x plus 1 upon 2 log cos x plus sin x का मापांक प्लस का c, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 देखें. साइन ऑफ इंटीग्रेशन लॉग एक्स की होल पावर 2 अपॉन एक्स डी एक्स. सॉल्यूशन में सपोज लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग एक्स का अवकलन हम जानते 1 अपॉन एक्स होता है एक्स के सापेक्ष और टी का
dt अपॉन जो है ddx ऑफ t होता है, इसलिए dx अपॉन x के स्थान पर हम इसको लिखा dx अपॉन x इक्वल टू dt। अब पुनः क्वेश्चन पर आए, साइन ऑफ इंटीग्रेशन log x की पावर होल पावर 2 अपॉन x dx इज इक्वल टू, log x को हमने t लिखा तो t की पावर जो है 2 हो गया और dx अपॉन x को dt लिखा, आगे स्टेप में इज इक्वल टू t स्क्वायर का समाकलन, चूंकि हम जानते हैं x घात n का समाकलन x घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कैसी होता है, तो यहाँ t स्क्वायर का समाकलन t की पावर 3 प्लस 1 2 प्लस 1 3 हुआ अपॉन में 2 प्लस 1 3 अर्थात t क्यूब अपॉन 3 प्लस का c, पुट वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू log x, देन वी फाइंड आंसर, t के स्थान पर हमने जो है log x रखा तो log x की होल पावर 3 अपॉन 3 प्लस का सी, इस तरह से हमारा समाकल्य प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 5 देखें बच्चों, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 डीएक्स। तो यहाँ सॉल्यूशन में देखें, सपोज एक्स क्यूब को हमने जो है टी माना, क्योंकि यहाँ नीचे एक्स की पावर 6 है, इसको हम एक्स की पावर जो है 3 की होल पावर 2 लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम मानक रूप में बना लेंगे, और डिफरेंशिएशन किया हमने x क्यूब का, x क्यूब इक्वल टू t का, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया तो x की घात n का डिफरेंशियल n x की पावर n माइनस 1, तो x क्यूब का डिफरेंशियल x के सापेक्ष 3x स्क्वायर इज इक्वल टू t का x के सापेक्ष d dx ऑफ t, देन वी फाइंड x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 3 को इससे डिवाइड कर दिया dt अपॉन 3। तो यहाँ हम अगले स्टेप में x स्क्वायर dx के स्थान पर इसमें क्या रख सकेंगे dt अपॉन 3 और tan इनवर्स जो है या x क्यूब के स्थान पर हम t प्रयोग करेंगे, जो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन tan इनवर्स x क्यूब इंटू x स्क्वायर dx बटे 1 प्लस x क्यूब का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन tan इनवर्स x क्यूब के स्थान पर t, tan इनवर्स t हो गया और x स्क्वायर dx के स्थान पर dt अपॉन 3 और नीचे 1 प्लस x क्यूब का होल स्क्वायर था 1 प्लस t स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू अगले स्टेप में जो है 1 अपॉन 3 tan इनवर्स t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर dt। अगेन सपोज tan इनवर्स t इज इक्वल टू y, यहां हमने tan इनवर्स t को y माना और इसका हमने y x t के सापेक्ष समाकलन किया जो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, 1 अपॉन tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन t के विद रिस्पेक्ट टू t 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, y का t के सापेक्ष डिफरेंशियल d dt ऑफ y, देन वी फाइंड dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर इज इक्वल टू जो है dy। तो यहां dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर हम इसको इतने के स्थान पर dy लिख सकेंगे। जो है नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, चूंकि tan इनवर्स t को y माना sin ऑफ इंटीग्रेशन y dy, चूंकि dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर इज इक्वल टू dy है इसलिए y dy इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब y का y के सापेक्ष समाकलन y स्क्वायर अपॉन 2 हुआ तो 1 अपॉन 3 y स्क्वायर इंटू 1 अपॉन y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c, यहाँ c समाकलन स्थिरांक है, इज इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई करके y स्क्वायर अपॉन 6 प्लस का c। अगेन पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स t, तो यहाँ आंसर में tan इनवर्स t का होल स्क्वायर अपॉन 6 प्लस का c, बिकॉज t इज इक्वल टू x क्यूब, यहाँ हमने माना था t को, हमने x क्यूब को t माना था तो पुनः t के स्थान पर हम वैल्यू जो है पुट कर देते हैं x क्यूब, तो आंसर हमारा जो समाकल्य होगा इंटीग्रल प्राप्त करेंगे वो जो हमारा tan इनवर्स x क्यूब का होल स्क्वायर अपॉन 6 प्लस का c। ये क्वेश्चन नंबर 6 साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस रूट x, तो हमें बच्चों ध्यान ये रखना होता है मानेंगे किसे, क्या हम जो है मानने की बात होती है जहां हम इसे मानना होता है कौन सी पद को हम मानेंगे, तो इसमें हमने x और प्लस का रूट x में x को हम रूट x इंटू रूट x लिख सकते हैं या रूट x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस रूट x
इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन, दोनों में से हमने रूट एक्स कॉमन लिया तो रूट एक्स एक्स में से कॉमन लिया, एक्स में से रूट एक्स लिया तो यहाँ रूट एक्स बचा और रूट एक्स में से एक्स लिया तो वन बचा। तो ये हुआ, तो यहाँ आपको साइन ऑफ इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन रूट एक्स इंटू वन प्लस रूट एक्स, लेट अब हमने जो माना है लेट वन प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू टी, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वन प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू टी को एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया तो रूट एक्स को हमने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स की पावर वन बाई टू प्लस वन इज इक्वल टू जो है टी लिख लिया। अब हम यहाँ एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, जो है हम जानते हैं एक्स की घात एन का अवकलन एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है, तो यहाँ एक्स की पावर वन बाई टू का अवकलन वन अपॉन टू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, जिसे हमने लिखा वन अपॉन टू रूट एक्स प्लस वन का जीरो हो गया, इज इक्वल टू टी का डी डी एक्स ऑफ टी। दिस इंप्लाइज डी एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू टू डी टी, डी एक्स बटे रूट एक्स के स्थान पर अब हम 2dt लिख सकेंगे। अगले स्टेप में इज इक्वल टू वन साइन ऑफ इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस रूट एक्स और dx अपॉन रूट एक्स लिख दिया तो इसके स्थान पर हम 2dt लिख लेंगे, इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस रूट एक्स को वन अपॉन टी, तो इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन वन अपॉन टी 2dt इज इक्वल टू टू, बाहर आ गया वन अपॉन टी का समाकलन हम जानते हैं log t प्लस का c। अब आंसर के रूप में पुनः t के स्थान पर वैल्यू हमने रखा 1 प्लस रूट एक्स, तो आंसर हमारा बन गया 2 log मॉडुलस 1 प्लस रूट एक्स का मापांक प्लस का c। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 साइन ऑफ इंटीग्रेशन log स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx इज इक्वल टू सॉल्यूशन में साइन ऑफ इंटीग्रेशन लॉग रूट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस वन को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन की होल पावर वन बाई टू, तो इज इक्वल टू में साइन ऑफ इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस वन की पावर वन बाई टू अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू log x की घात n इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने n log x, तो यहाँ n के रूप में 1 बाई 2 आया हुआ है, तो इसलिए इज इक्वल टू में साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 बाई 2 log ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। पुनः हमने जो है लेट log x प्लस 1 इज इक्वल टू t, log x प्लस 1 को हमने t मान लिया, अब इसका हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x x के सापेक्ष अवकलित किया, हम जानते हैं log x का अवकलन x के सापेक्ष 1 अपॉन x होता है, x के स्थान पर क्या आया x प्लस 1, तो log x प्लस 1 का x के सापेक्ष अवकलन 1 अपॉन x प्लस 1, x प्लस 1 का करेंगे तो 1 आएगा 1 और 1 का 0 तो गुणा करेंगे तो इसके बाद प्रोडक्ट के रूप में 1 अपॉन x प्लस 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू t का पुनः अवकलन करेंगे x के सापेक्ष जिसको हम लिखेंगे d dx of t और इसको आगे हम लिख सकते हैं dx upon x plus 1 is equal to dt, क्वेश्चन में dx बटे x plus 1 के स्थान पर हम dt प्रयोग कर सकते हैं और log x plus 1 के स्थान पर t प्रयोग करेंगे is equal to 1 upon 2 sine of integration t dt is equal to, अब t का समाकलन t के सापेक्ष हम जानते हैं t की घात 2 बटे 2 होगा, इसलिए इस इक्वल टू में 1 अपॉन 2 पहले से ही है और t का समाकलन t स्क्वायर अपॉन 2 इनटू प्लस का जो है c इज इक्वल टू 2 2 का डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपॉन 4 t स्क्वायर प्लस का c, अगेन पुट वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू log x प्लस 1, यहां केवल हम x प्लस 1 t की वैल्यू log x प्लस 1 पुट कर देते हैं तो 1 अपॉन 4 आंसर में 1 अपॉन 4 log x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों देखें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 4x प्लस 2 इंटू रूट स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx, यहां हम
4x plus 2 में से देख रहे हैं कॉमन क्या हो सकता है, 2 इससे कॉमन निकाला जा सकता है, तो हम 4x plus 2 को 2 into 2x plus 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन में sin of is equal to sin of integration 4x plus 2 into square root of x square plus x plus 1 dx is equal to 4x plus 2 में से 2 कॉमन निकाला हमने, तो 2 बाहर आ गया, sin of integration 2x plus 1 into root square root of x square plus x plus 1 dx। यहाँ हमने let x square plus x plus 1 को हमने t मान लिया और इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, differentiate with respect to x। तो x square plus x plus 1 का x की, जो हम जानते हैं x की घात n का अवकलन n x की पावर n minus 1 होता है, तो x square का 2x हुआ और x का x के सापेक्ष 1 हो गया, 1 का 0 हुआ, is equal to t का x के सापेक्ष d dx of t, this implies 2x plus 1 dx is equal to, हम dx is equal to dt लिख सकते हैं, तो 2x plus 1 के स्थान पर हम dt लिखेंगे। और आगे के स्टेप में is equal to 2 sin of integration t की पावर 1 by 2, चूंकि x square plus x plus 1 t माना था, तो इसके स्थान पर हमने t की पावर 1 by 2 dt is equal to 2 t की पावर 1 by 2 का समाकलन t की पावर 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1 is equal to, add किया 1 by 2 में 1 को, 3 by 2 हो गया, 2 t की पावर 3 by 2 upon में 3 by 2 plus का c, summarize किया 2 नीचे वाला ऊपर गया, तो ये हो गया 4 upon 3 into t की पावर 3 upon 2 plus का c। Again, put the value of t is equal to x square plus x plus 1. T का मान हमने x square plus x plus 1 रखा, आंसर में 4 upon 3 x square plus x plus 1 की पावर 3 by 2 plus का c। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों देखें, sin of integration e की पावर 2x minus e की पावर minus 2x upon e की पावर 2x plus e की पावर minus 2x dx, इसको हमने हल में वैसे के वैसे उतार दिया, इज इक्वल टू सॉल्यूशन में sin of integration e की पावर 2x minus e की पावर minus 2x upon e की पावर 2x plus e की पावर minus 2x dx। अब हम जानते हैं e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, अवकलन भी e की पावर x का e की पावर x होता है, लेकिन यहाँ e की पावर x के स्थान पर 2x आया हुआ है, तो 2x का हमें पुनः अवकलन करना पड़ेगा। तो पहले हम e की पावर x का e की पावर x जैसे लिखते हैं, तो वैसे ही लिख देंगे e की पावर 2x का e की पावर 2x, और 2x का अवकलन करके 2x का x के सापेक्ष अवकलन जो है 2 होगा, जिसे हम मल्टीप्लाई के रूप में e के साथ e की पावर 2x के साथ लिखेंगे। सेम इसी तरह से e की पावर माइनस 2x का e की पावर x का e की पावर x ही होता है अवकलन, तो e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x लिखेंगे, पुनः माइनस 2x का x के सापेक्ष अवकलन माइनस 2 आएगा, इसे हम मल्टीप्लाई में e की पावर माइनस 2x के साथ माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसका अवकलन हम इस तरह से लिखेंगे। तो इसको हमने लेट e की पावर 2x plus e की पावर माइनस 2x is equal to t। अब हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो हमने जो अवकलन में बताया आपको e की पावर 2x का e की पावर 2x into 2x का 2 तो मल्टीप्लाई में हो गया, माइनस e की पावर माइनस 2x का अवकलन e की पावर माइनस 2x into माइनस का 2 is equal to d dx of t हो गया। अब दोनों में e की पावर 2x और e की पावर माइनस 2x में 2 जो है कॉमन है, इसको हमने 2 को कॉमन निकाला, तो 2 कॉमन आया, तो 2 इंटू जो है ब्रैकेट में हो गया e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x जो है dx बराबर dt के। अब इसको हम e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx बनाएंगे, 2 का भाग दे दिया dt की तरफ, तो dt अपॉन 2 हो गया। अब यहाँ हम जहां रखेंगे e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx को हम dt बटे 2 लिखेंगे, तो प्रश्न में अब आगे जो है हल में देखें, sin of integration 1 upon t, e की पावर 2x plus e की पावर माइनस 2x को t माना था, तो इस पर था t और ऊपर e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx बराबर dt बटे 2 is equal to 1 upon 2 sin of integration 1 upon t dt। 1 upon t का
समाकलन टी के सापेक्ष हम जानते हैं लॉग टी होता है इज इक्वल टू 1/2 लॉग मॉडुलस टी प्लस का जो है सी। पुनः पुट द वैल्यू ऑफ अगेन पुट द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x। सो आंसर विल बी जो है 1/2 लॉग मॉडुलस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर -2x का मापांक प्लस का सी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में लॉग एक्स अपॉन एक्स डीएक्स। सॉल्यूशन में देखें इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन एच टी उतार दिया उसको हमने कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में लॉग एक्स अपॉन में एक्स डीएक्स। लेट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, यहां हमने लॉग एक्स को टी माना और इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो लॉग एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1/x इज इक्वल टू टी का एक्स के सापेक्ष डी डी एक्स ऑफ टी। दिस इंप्लाइज डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसको हम इतना जो है डी एक्स अपॉन एक्स के स्थान पर डी टी प्रयोग करेंगे जो है आगे का प्रश्न हम आगे का हल जो है अगली स्लाइड आगे का हल बेटा इससे देखें। साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos स्क्वायर log x into dx upon x is equal to तो dx upon x के स्थान पर dt और log x के स्थान पर t, तो sin of integration cos स्क्वायर t dt। अब चूंकि फॉर्मूला हम जानते हैं, चूंकि cos स्क्वायर t का समाकलन नहीं होगा, सभी फलनों का समाकलन संभव नहीं होता, तो इसे हम cos 2x के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो फॉर्मूला हम जानते हैं cos 2x is equal to 2 cos स्क्वायर x minus 1 और 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2x और cos स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो यहां cos स्क्वायर x के स्थान पर हम 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 प्रयोग करेंगे। तो आगे sin ऑफ इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2t अपॉन 2 dt। इसको इज इक्वल टू में 1 अपॉन 2 sin ऑफ इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2t dt। तो हम जानते हैं चूंकि t के सापेक्ष 1 का समाकलन t होता है और cos 2 का समाकलन cos x का समाकलन चूंकि हम जानते हैं sin x होता है, cos 2x का समाकलन sin 2x अपॉन में जो है 2, चूंकि एंगल 2t दिया गया है तो 2t का पुनः हमें करना पड़ेगा और 2t का जो समाकलन आएगा वो अवकलन आएगा वो आएगा 2, तो 2 का इसमें हमें डिवाइड करना पड़ेगा। इस कारण से इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 1 dt का समाकलन t हुआ प्लस cos 2t का समाकलन sin 2t अपॉन 2 ब्रैकेट बंद प्लस का c। अगेन पुट t इज इक्वल टू log x इज इक्वल टू 1/ LCM लेकर के इसको हम ब्रैकेट में 2 log x t के स्थान पर log x प्लस sin 2 log x अपॉन 2 ब्रैकेट 1 प्लस का c इज इक्वल टू आंसर में अब 1/4 2 log ब्रैकेट में 2 log x प्लस sin ब्रैकेट में 2 log x ब्रैकेट 1 प्लस का जो है c, ये हमारा। अब बच्चों आपने इन क्वेश्चनों को हल को आपने देखा समझा और इन प्रश्नों के हलों को ध्यान में रखते हुए आगे प्रैक्टिस के लिए भी जो है 11 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिनको आप देखेंगे और हल करेंगे। उनके सामने प्रश्न के सम्मुख जो है उनके उत्तर भी दिए गए हैं जिन्हें आप देखें और प्रैक्टिस क्वेश्चनों में 4 नंबर तक की स्लाइड पिछले में देखा आगे की जो है स्लाइड में डाले गए हैं, 5 से लेकर के 11 तक के क्वेश्चन डाले गए हैं। तो इनमें देखें आप जहाँ कहीं इस तरह का लगता है आपको समझने में कोई समस्या होती है तो उनमें आप मुख्य बात यही होती है कि हम किसको माने, मानना किसे है जो है ये समस्या है। जैसे पहले प्रश्न को देख रहे हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये एक्स स्क्वायर अपॉन जो है 1 माइनस 2 एक्स क्यूब, तो नीचे वाला पूरा का पूरा हम ये मान सकते हैं 1 माइनस 2 एक्स क्यूब को जो है टी मान करके आप इसका डिफरेंशियल करेंगे और निकाल लेंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू बना करके इसे इसको डी टी के साइड में भाग दे देंगे। ऐसे ही आगे के प्रश्न में जो देख रहे हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब है
तो इसको मानना है आपको एक्स क्यूब को टी मानना है तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बन जाएगा। आगे के क्वेश्चन में 1 माइनस टेन एक्स साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स है, तो इसमें भी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख देंगे, टेन एक्स को बना करके ऊपर बन जाएगा जो है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे बन जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और करते हुए इस तरह से आप समायोजन कर लेंगे इनमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में भी देख रहे हैं 1 माइनस स्क्वायर रूट में जो दिया गया नीचे हर के रूप में 1 माइनस एक्स की पावर 8 है, तो एक्स की पावर 8 को एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर बना लेंगे और 1 माइनस इसके मान करके इसके बाद इसको आप कर लेंगे तो ये बन जाएगा। इस तरह से कोई समस्या होती है आपको तो आप इन्हें जो है क्वेश्चनों को देखिए करिए, और अगले वाले जो है उसमें हमारी मेल आईडी उसमें होगी तो उस पर आप डाल सकते हैं अगर किसी में।